हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैट्रिक्स क्लासेस। आज हम देखेंगे आसाम के बारे में। तो सेशन को शुरू करने से पहले सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखते हैं, फॉर्मेशन, आसाम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो फॉर्मेशन ऑफ आसाम वॉज ऑन 26 जनवरी 1950। कैपिटल, आसाम का कैपिटल है दिसपुर, दिसपुर इज कैपिटल ऑफ आसाम। फ्लोक डांस, सत्रीय नृत्य, ओजापल्ली, बिहू, झूमर, नच, देवधनी, घुमरक, धुलिया, भवरिया, भ्रोतल नृत्य और बगुरुम्बा, ये सारे फ्लोक डांस है। नेक्स्ट देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेज है आसामीस, बोडो, बंगाली। तो आसामी, बोडो और बंगाली आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ आसाम। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स। लोहित, जिसे तेलु नाम से भी जाना जाता है, तिहांग या सियांग रिवर, कोपिली रिवर, धालेश्वर रिवर, बराक रिवर, धालेश्वरी रिवर, रिपीट हो गया, कमेंग एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये सारे रिवर्स है आसाम के, आसाम से जो बहते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट है ब्रह्मपुत्र, दिहांग, सियांग, ये दो ज़रूर याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाटरफॉल्स। आकाशी गंगा वाटरफॉल, काकोचंग वाटरफॉल, चंडूबी वाटरफॉल, नोकाली कई वाटरफॉल, शिवकुंडा वाटरफॉल। तो ये पांच इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स है, जिसमें आकाशी गंगा और शिवकुंडा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखना आकाशी गंगा, काकोचंग, चंडूबी, नोकाली काई, शिवकुंडा, ये पांच वाटरफॉल्स है आसाम के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डैम्स। डैम्स में खंडोंग डैम जो कि कोपली रिवर पे बना है, उमरोंग डैम जो कि उमरोंग नाला रिवर पर बना है, करबी लंगपी डैम जो कि बोरपानी रिवर पर बना है। तो इसमें करबी लंगपी डैम एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना ये तीन इम्पोर्टेंट डैम्स है आसाम के। नेक्स्ट लेक्स देखते हैं, हाफलोंग लेक, दिहिंग लेक, हकामा लेक एंड चंडूबी लेक। तो ये इम्पोर्टेंट लेक्स है हाफलोंग, दिहिंग, हकामा और चंडूबी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज फेस्टिवल्स। तो आसाम के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है बिहू, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है, बिहू, बिहू इज फेस्टिवल ऑफ आसाम। फिर और आते हैं अंबुबाची, एलिफेंट फेस्टिवल, ब्रह्मपुत्रा बीच फेस्टिवल एंड माजुली फेस्टिवल। तो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में बिहू एक याद रखना और माजुली, दूसरे अंबुबाची, फिर एलिफेंट फेस्टिवल, ब्रह्मपुत्र बीच फेस्टिवल और माजुली फेस्टिवल। नेक्स्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट, काजीरंगा नेशनल पार्क ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो रिवर ब्रह्मपुत्र के बैंक पर बना हुआ काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और दूसरा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भूटान के बॉर्डर के पास में है। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोनों आसाम में के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर नेशनल पार्क्स देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। तो ये चार इम्पोर्टेंट है, इसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये चारों याद रखना।
काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, ये सारे नेशनल पार्क है आसाम के। नेक्स्ट देखते हैं बर्ड सेंचुरीज, डिपोरबेल बर्ड सेंचुरी, बोर्डियोबम बेलमुख बर्ड सेंचुरी, तो ये दो बर्ड सेंचुरीज है। पावर प्लांट्स, दो तरह के पावर प्लांट्स है यहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट पहले देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट में नमरूक थर्मल पावर स्टेशन जो कि दिबुर्ग आसाम में है, दूसरा लकवा थर्मल पावर स्टेशन जो कि मैबला लकवा में है शिवसागर में। हाइड्रो पावर प्लांट देखते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में करबी लंगपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो तीन पावर प्लांट से नमरूप, लकवा और करबी लंगपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये दो पावर स्टेशन है और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं एयरपोर्ट, लोकप्रिय गोपीनाथ बडोलियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट है। फिर गुवाहाटी दिबुर्ग एयरपोर्ट, सिलचर एयरपोर्ट और तेजपुर एयरपोर्ट, सिलचर एयरपोर्ट और तेजपुर एयरपोर्ट, जिसमें तेजपुर एयरपोर्ट एक बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट स्टेडियम देखते हैं, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम जो कि गुवाहाटी में है, जोरहट स्टेडियम जोरहट में है, नेहरू स्टेडियम ये भी गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में दो स्टेडियम्स है, एक इंदिरा गांधी एथलेट स्टेडियम और दूसरा नेहरू स्टेडियम। फिर सतेंद्र मोहन देव स्टेडियम ये सिलचर में है, सिलचर में है सतेंद्र मोहन देव स्टेडियम। तो नेक्स्ट देखते हैं निक नेम ऑफ द सिटीज ऑफ आसाम, जिसमें दिबुर्ग को टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, दिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है और तेजपुर को सिटी ऑफ ब्लड कहा जाता है। तो दिबुर्ग को टी सिटी ऑफ इंडिया, गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तेजपुर को सिटी ऑफ ब्लड कहा जाता है। नेक्स्ट बॉर्डर्स, स्टेट बॉर्डर और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों देखेंगे। स्टेट बॉर्डर देखते हैं पहले, इट इज़ बाउंडेड विथ इंडियन स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू द ईस्ट बाय द स्टेट्स ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर, तो स्टेट बॉर्डर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर है। टू द साउथ द स्टेट्स ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा एंड टू द वेस्ट बाय द स्टेट्स ऑफ मेघालय एंड वेस्ट बंगाल, तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेट्स है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट बॉर्डर्स है आसाम के। इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर इट इज़ बाउंडेड बाय द नॉर्थ बाय किंगडम ऑफ भूटान एंड बाय वेस्ट ऑफ बांग्लादेश, तो इंटरनेशनल बॉर्डर में भूटान और बांग्लादेश है। नेक्स्ट देखते हैं, आसाम इज नोन फॉर दिग्बोई, सिटी ऑफ आसाम वेयर फर्स्ट ऑयल रिजर्व्स ऑफ इंडिया वर डिस्कवर, और दिग्बोई इज द फर्स्ट ऑयल वेल इन एशिया वॉज ड्रिल्ड इन आसाम, तो सबसे पहली ऑयल वेल जो ड्रिल की थी वो आसाम में की थी एशिया की। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाम्बूज इन इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट बाम्बू प्रोड्यूसर है आसाम, साथ ही में इंडिया का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर भी है आसाम। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैप है, इसमें देखो यहाँ आसाम है, इसका जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में भूटान और यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ से बांग्लादेश, यहाँ से भूटान, आसाम का कैपिटल दिसपुर। फिर स्टेट बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल, यहाँ से वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं।
तो यहाँ पे आज का सेशन ख़त्म होता है। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।